ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। शिवसेना बीजेपी की अटकलें बनी हुई है, काफ़ी समय से सरकार बनाने को लेकर खींचातानी चल रही है, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। शिवसेना अपना दावा कर रही है, बीजेपी अपना दावा कर रही है, लेकिन अब दोनों पार्टियों के लिए कल का आखिरी दिन है, आखिरी दिन बचा है निर्णय लेने की, यानी 9 नवंबर तक। लेकिन महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, खींचा तानी मची हुई है शिवसेना बीजेपी में। लगातार नेता अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के जरिए से, तो कभी ट्विटर के जरिए से। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है, राष्ट्रपति शासन थोपना जनादेश का अपमान होगा। महाराष्ट्र को केयर टेक की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी के पास संख्या बल है तो वह सरकार बनाने का दावा कर सकती है। हमारी न्याय और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी तरफ एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेल रही है, महाराष्ट्र दिल्ली के तख्त के आगे झुकता नहीं है। अलग अलग संगठन समीकरणों के अलावा राष्ट्रपति शासन के विकल्प की अटकलें रह रहकर लगाई जाने लगती हैं। राज्य में अब पिछली विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने की उल्टी गिनती चालू है, जो 9 नवंबर शनिवार को खत्म हो जाएगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठन बनाने की कोशिशों के लिए सिर्फ एक दिन बचे हैं। अगर 9 नवंबर तक कोई दल सरकार नहीं बना पाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेस में रख सकते हैं। विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी या राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है। दूसरे, यदि सभी दलों के यानी सभी दलों ने सरकार गठन से इनकार कर दिया तो तब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज कर राज्य के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। फिलहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुंबई पहुंचे हैं, शायद इस पर बात करेंगे सरकार बनाने को लेकर। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स।